हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबा के ढाबा की बदली किस्मत, एक हफ्ते में दिखने लगा कुछ ऐसा वहाँ का नज़ारा। तो आज हम आपको जो है बाबा के ढाबा के पे ले चलेंगे और वहाँ के जो है नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चेंज हो गया है वीडियो वायरल होने के बाद। बाबा के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि आज मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अपने इंडिया में बाबा के ढाबा को हर आदमी जान चुका है, क्योंकि YouTube से लेकर सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह ट्रेंडिंग में जो है बाबा का ढाबा रहा है। तो इसी पे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है बाबा के ढाबा के बारे में बताएंगे। बाबा का ढाबा खोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई इस उम्र में, 80 एवं उनकी उम्र है और इस उम्र में वो एक ढाबा चला रहे हैं, तो पूरी खबर हम आपको बताएंगे और इस समय उनकी इनकम क्या है ये भी बताएंगे। तो खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन दबाना ना भूलें। दिल्ली के मालवीय नगर में जो है बाबा के ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद का रोता हुआ वीडियो जब वायरल हुआ तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई, जो आप सभी ने जो है उस वीडियो को देखा। तो दोस्तों, उसके बाद से क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। वायरल वीडियो में वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते रो पड़े। उनके रोते चेहरे को देख के लोग मदद के लिए उमड़ पड़े और अगले ही दिन उनकी दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और खाने के लिए लोग टूट पड़े। यही नहीं, उनके ढाबे पर विज्ञापन भी लग गए और बाबा का ढाबा जोमैटो में भी लिस्टेड कर दिया गया। एक हफ्ते में बाबा का ढाबा चमचमाता नजर आ रहा है। इस पर आईपीएस अफसर अवनीश शरण ने रिएक्ट किया। आईएएस अफसर अवनीश शरण ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बदला हुआ बाबा का ढाबा, सब दिख रहे हैं बस बाबा नहीं दिख रहे। पहले इस ढाबे की तस्वीर कुछ अलग ही थी, यहाँ आस पास कोई विज्ञापन नहीं लगा था। अब कई कंपनियों ने अपने विज्ञापन लगा दिए हैं उनके ढाबे के पास ही, कईयों ने अपनी दुकान खोल ली है। तो दोस्तों, बाबा के ढाबा ने अगल बगल भी कईयों की जो है रोजगार बढ़ा दिया। आगे मैं आपको ले चलता हूं। तो दोस्तों, अवनीश शरण के अलावा कई लोगों ने इस तरह नए बाबा ढाबा की तस्वीर शेयर करते हुए रिएक्शन दिया है। जोमैटो ने भी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि उन्होंने बाबा का ढाबा को लिस्टेड कर लिया है और कांता प्रसाद और बदामी देवी कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या है ढाबा खोलने की वजह? कांता प्रसाद और बदामी देवी कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। दोनों की उम्र 80 साल से ऊपर है। कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके दो बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता, वो सारा काम खुद ही करते हैं और ढाबा भी अकेले ही चलाते हैं। कांता प्रसाद पत्नी की मदद से सारा काम करते हैं। वो सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे तक पूरा खाना तैयार कर देते हैं। रात तक वो दुकान पर ही रहते हैं। लॉकडाउन के पहले लोग यहाँ खाना खाने आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी दुकान पर कोई नहीं आता है, इतना कहकर वो रोने लगते हैं। उसके बाद से दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो को वायरल होते ही इनके दुकान पे जो है लोगों की भीड़ जमा हो गई और इनका खाना जहां रात तक चलता था वहां 2 घंटे में इनका खाना ख़त्म हो गया और इनकी डिमांड बढ़ गई। जोमैटो तक इनके जो है दुकान को लिस्टेड कर चुका है। तो ये तो रही बाबा के ढाबा की कहानी। अगर इस वीडियो पे जो है आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें।